टॉप 10 कंसल्टेंसी इन मुंबई पार्ट 4 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले और ये कंसल्टेंसी एड्रेस भी आपको बताने वाले, रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले। रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करना है, कौन कौन सी ऑफिस है जिसमें रजिस्ट्रेशन चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन में क्या पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा जिसमें आपको चेक करना चाहिए, और एड्रेस कंप्लीट अवेलेबल है। टॉप 10 कंसल्टेंसी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, आई बटन पर लिंक दिया है, आई बटन पर लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स। और ये जो सेशन है ये है सेशन टॉप 10 कंसल्टेंसी पार्ट 4। इसके बाद भी एक और सेशन आने वाला है जिसके अंदर टॉप कंपनीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, टॉप कंपनीज कौन कौन से इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी ऐसी ऑफिस है जिसमें टॉप कंपनीज का वैकेंसीज पब्लिश किया जाता है। तो बने रहिए एंड तक और वीडियो वॉच करें, और इन्फॉर्मेटिव लगे इन्फॉर्मेशन तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ बात करने वाले हम टॉप 10 कंसल्टेंसी के बारे में। टॉप 10 कंसल्टेंसी 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा आपने, ये है टॉप 10 कंसल्टेंसी पार्ट 4। ये पार्ट 4 कंसल्टेंसी है और इसके अंदर भी बताएंगे आपको जेन्युइन कंसल्टेंसी कौन कौन सी है मुंबई के अंदर अवेलेबल है। कंप्लीट डिटेल्स और फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है यहीं पर। तो टॉप 10 कंसल्टेंसी की जहाँ बात करें, यहाँ पे एक टॉप 10 कंसल्टेंसी इन मुंबई पार्ट 4 में बात करते हैं, यॉर्क का, यॉर्क रिक्वायरमेंट। ये एक ऑफिस है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में ये रजिस्टर्ड है, केरल की रजिस्टर्ड है। यहाँ पे देखें और ये 1000+5 है, 2006 की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, ठीक है। और ये जो कंसल्टेंसी जो ऑफिस है, ये ऑफिस स्पेशली ज़्यादा करके ये 3CC का भी काम बहुत ज़्यादा इसमें आता है। यॉर्क अच्छी कंसल्टेंसी है और ये अवेलेबल कहाँ पे, ये देख लें यहाँ पे, ये अवेलेबल है, ये यहाँ पे अलग अलग एड्रेस है, मुंबई के अंदर भी अवेलेबल है और ये दिल्ली के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। ये दोनों जगह में अवेलेबल है, चेकआउट करें आप। अंधेरी में अवेलेबल है मुंबई के अंदर और ये दिल्ली के अंदर ये अवेलेबल है, तो चेकआउट कर सकते हैं आप। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो सिंपली यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल ID, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑफिस की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट ऑफिस की बात करते हैं, टॉप 10 कंसल्टेंसी इन मुंबई पार्ट 4 में नेक्स्ट ऑफिस है मेधा HR कंसल्टेंट्स। मेधा HR कंसल्टेंट्स की बात करेंगे और ये जेन्युइन कंसल्टेंसी, ये देखें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं, मुंबई की रजिस्टर्ड 1000+5 है और 2009 की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, 100% जेन्युइन है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं। एड्रेस की बात करते हैं, ये कहाँ पर अवेलेबल है, ये अवेलेबल है मुंबई के अंदर पवई का पूरा एड्रेस मेंशन किया गया, चेकआउट करें। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेल आईडी क्या थोड़ा जॉब के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस पर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, सिंपली लोगो देख के चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफिस की बात करते हैं, यहाँ पे टॉप 10 कंसल्टेंसी मुंबई पार्ट 4 में ये ऑफिस मेंशन किया गया, अल समीत इंटरनेशनल बहुत ही पुरानी ऑफिस है और बहुत भरोसेमंद ऑफिस है। ये भोगाजी खीर मार्ग में अवेलेबल है, माहिम वेस्ट मुंबई के अंदर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं, 1000+5 है, 1994 की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया इनका कोई यहाँ पे एजेंट नहीं है, तो अब विदेश भेजने वाला ऑफिस यही है और जेन्युइन है, बहुत बेहतरीन है, 3CC और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का इसके अंदर वैकेंसीज आता रहता है। नेक्स्ट ऑफिस की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑफिस टॉप 10 कंसल्टेंसी इन मुंबई के अंदर नेक्स्ट ऑफिस पार्ट 4 में है, ये एशिया पावर। एशिया पावर के बारे में आपको बता दें, एशिया पावर मुंबई के अंदर अवेलेबल है। इसमें होता है क्या, ये थोड़ा टाइम लेता है एशिया पावर, बट ये काम जेन्युइन है, छोटी मोटी कंपनी में नहीं भेजता, ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छी अच्छी कंपनी में इसके अंदर ये भेजता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पर लाइसेंस नंबर बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर बोल सकते हैं, यहाँ पर चेक करें, मुंबई की रजिस्टर्ड है, 1000+5, 1984 की रजिस्टर्ड है, भरोसेमंद कंसल्टेंसी है। और ये अवेलेबल कहाँ पे, बिजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साइन ट्रम्बे रोड, सुमन नगर, चेंबूर में अवेलेबल है, चेकआउट करें, अवेलेबल है ये कंसल्टेंसी, अच्छी है। और इसी बिल्डिंग में और भी बेकर ऐसे कुछ नाम का एक और भी ऑफिस है, वो भी अवेलेबल, भी जेन्युइन है। नेक्स्ट कंसल्टेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे टॉप 10 कंसल्टेंसी इन मुंबई पार्ट 4, ये टेरेंट्रो की तरफ से ये रिक्वायरमेंट, ये ऑफिस टेरेंट्रो जो कि अंकिता ट्रैवल आपको पता होगा उसी का नाम चेंज करके अभी टेरेंट्रो किया गया, ये भी ऑफिस जेन्युइन है, कॉस्मोस प्लाजा में अवेलेबल है, DN नगर मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास है, JP रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई के अंदर अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पे तो मुंबई की रजिस्टर्ड है, 1000+ है ये और 2021 की रजिस्टर्ड है, भरोसेमंद कंसल्टेंसी है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस पर जो भी रिक्वायरमेंट आता है आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट ऑफिस की बात करते हैं, टॉप 10 कंसल्टेंसी मुंबई पार्ट 4 के अंदर अगर बात करें तो पामा इंटरनेशनल का नाम है और ये जेन्युइन ऑफिस है। शॉप एड्रेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लोगो पहले ध्यान से देख लें, ये लोगो है इसका, शॉप नंबर 7/4 लेक व्यू अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू BMC हॉस्पिटल, मोरोल विलेज रोड, मोरोल नाका, अंधेरी ईस्ट, मुंबई के अंदर अवेलेबल है।
लाइसेंस की बात करें रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो यहाँ पे मुंबई की रजिस्टर्ड है, 1000+ है, 2022 की रजिस्टर्ड कॉन्सल्टेंसी है। रिव्यू इसका बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन कॉन्सल्टेंसी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑफिस के थ्रू जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट ऑफिस की बात करते हैं, टॉप 10 कॉन्सल्टेंसी मुंबई के अंदर पार्ट 4 के अंदर नेक्स्ट ऑफिस है कॉस्मोस ट्रेड लिंक। कॉस्मोस ट्रेड लिंक की बात करते हैं, ये जेन्युइन कॉन्सल्टेंसी है और ये कहाँ पे अवेलेबल है, ऑफिस नंबर 2 नियर हाईवे रोज सोसाइटी पाखड़ कॉटेज विले पार्ले ईस्ट मुंबई के अंदर अवेलेबल है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करते हैं, मुंबई की रजिस्टर्ड है, 1000+5 है, 2018 की रजिस्टर्ड और भरोसेमंद कॉन्सल्टेंसी है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस पर। ये भी जेन्युइन कॉन्सल्टेंसी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सल्टेंसी की, टॉप 10 कॉन्सल्टेंसी मुंबई पार्ट 4 की बात करें, नेक्स्ट कॉन्सल्टेंसी ये है वर्षा कॉन्सल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। वर्षा कॉन्सल्टेंसी जेन्युइन है, ज़्यादा मतलब ये हाईलाइटेड नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये जेन्युइन कॉन्सल्टेंसी है। साई प्रसाद कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है, NR खार रोड रेलवे स्टेशन वेस्ट में है मुंबई, और ये वर्षा कॉन्सल्टेंसी जेन्युइन है और इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। BUM बॉम्बे की रजिस्टर्ड है, 1000+3 है, 1984 की रजिस्टर्ड है, 1000+3 इसका रिव्यू है, फिर भी इसका जो काम है वो अच्छा है, वो बेहतरीन है। और इसके सामने बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इसी ऑफिस के ऑपोजिट बिल्कुल है कौन सा, अंबे कॉन्सल्टेंसी और वर्षा दोनों आमने सामने, सिर्फ रोड क्रॉस करना है, बस इतना फ़र्क है। दीवान की बात करते हैं, दीवान कॉन्सल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ये जेन्युइन कॉन्सल्टेंसी है, ये टॉप 10 कॉन्सल्टेंसी पार्ट 4 का ये कॉन्सल्टेंसी है। और इसके बात करें एड्रेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये सागर टेक प्लाजा साकीनाका जंक्शन के पास है, अंधेरी कुरला रोड अंधेरी ईस्ट में ये अवेलेबल है। दीवान भी जेन्युइन कॉन्सल्टेंसी है, भरोसेमंद है, इसे भरोसा कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन 1000+5 है, 2022 की रजिस्टर्ड, भरोसेमंद कॉन्सल्टेंसी है, इसे भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद आपके लिए बेहतर साबित है, जरूर अप्लाई करें। बहुत सारी और भी ऑफिसेस है, इतना ऑफिस है मुंबई के अंदर जो आपको सोच से बाहर है, फिर भी हम पूरा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कवर करने के लिए। टॉप 10 कॉन्सल्टेंसी इन मुंबई के पार्ट 4 के अंदर है भाटिया टूर एंड ट्रैवल। भाटिया टूर एंड ट्रैवल जॉली मार्केट चैम्बर 2 नरीमन पॉइंट मुंबई के अंदर अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन की बात करें 1000+5 है, 2014 की ये रजिस्टर्ड कॉन्सल्टेंसी है, भरोसेमंद कॉन्सल्टेंसी है, भरोसा कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये जेन्युइन कॉन्सल्टेंसी है। बहुत सारे ऑफिस और भी है, तो आपने अगर पार्ट नहीं देखा होगा तो 1, 2, 3 पार्ट आया हुआ है टॉप 10 कॉन्सल्टेंसी का। 30 कॉन्सल्टेंसी पीछे मैंने बता चुका, ये 10 और कॉन्सल्टेंसी बताने वाला है इसके अंदर, तो 40 कॉन्सल्टेंसी टोटल हो गया। तो ये था हमारा टॉप 10 कॉन्सल्टेंसी पार्ट 4 का कंप्लीट डिटेल्स, भाटिया टूर एंड ट्रैवल, दीवान कॉन्सल्टेंसी, वर्षा कॉन्सल्टेंसी, कॉस्मोस ट्रेडिंग का, यहाँ पे पामा इंटरनेशनल, टेलेंट्रो भी मेंशन किया गया, एशिया पावर, अल समीत इंटरनेशनल, मेधा HR कॉन्सल्टेंसी और योर रिक्वायरमेंट। तो ये था हमारा टॉप 10 कॉन्सल्टेंसी पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर आप देखें टॉप 10 कॉन्सल्टेंसी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके अलावा फिर भी अगर कोई भी डाउट आपके दिल दिमाग में रहता है, सिंपली आप YouTube पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई YouTube पे ही मिलेगा, हम हर बार कहते हैं YouTube पे कमेंट का रिप्लाई ज़्यादा करके मिलेगा, तो कमेंट करें, कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।